أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. قل قل إن إن كنتم كنتم تحبون تحبون الله الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم يحببكم الله الله ويغفر ويغفر لكم لكم ذنوبكم ذنوبكم والله والله غفور غفور رحيم. رحيم. قل قل أطيعوا أطيعوا الله الله والرسول والرسول فإن فإن تولوا تولوا فإن فإن الله الله لا لا يحب يحب الكافرين. الكافرين. सदक सदक अल्लाहु अल्लाहु अज़ीम। अज़ीम। ए ए नबी नबी अकरम अकरम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम लोगों लोगों से से फरमा फरमा दीजिए, दीजिए, अगर अगर तुम तुम हकीकत हकीकत में में अल्लाह अल्लाह से से मोहब्बत मोहब्बत रखते रखते हो हो तो तो मेरी मेरी पैरवी पैरवी इख्तियार इख्तियार करो। करो। अल्लाह अल्लाह तुमसे तुमसे मोहब्बत मोहब्बत करेगा करेगा और और तुम्हारी तुम्हारी खताओं खताओं से से दरगुजर दरगुजर फरमाएगा, फरमाएगा, वो वो बड़ा बड़ा माफ़ माफ़ करने करने वाला वाला और और रहीम रहीम है। है। उनसे उनसे कहो कहो कि कि अल्लाह अल्लाह और और रसूल रसूल सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु वसल्लम वसल्लम की की अतात अतात कबूल कबूल करो। करो। फिर फिर अगर अगर वो वो तुम्हारी तुम्हारी ये ये दावत दावत कबूल कबूल ना ना करें करें तो तो यकीनन यकीनन ये ये मुमकिन मुमकिन नहीं नहीं कि कि अल्लाह अल्लाह ऐसे ऐसे लोगों लोगों से से मोहब्बत मोहब्बत करे करे जो जो उसकी उसकी और और उसके उसके रसूल रसूल की की अतात अतात से से इनकार इनकार करते करते हों। हों। अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बिल रब्बिल आलमीन, आलमीन, सलातु सलातु वस्सलाम वस्सलाम अला अला अशरफुल अशरफुल अंबिया अंबिया वल वल मुरसलीन मुरसलीन, नबीना नबीना मुहम्मद मुहम्मद व व अला अला आलिही आलिही व व सहबिही सहबिही अजमईन। अजमईन। अम्मा अम्मा बाद, बाद, अल्लाह अल्लाह रब्बुल रब्बुल आलमीन आलमीन की की हम हम तमाम तमाम लोगों लोगों पर पर बड़ी बड़ी करम करम नवाजी नवाजी बड़ा बड़ा एहसान एहसान है है कि कि उन्होंने उन्होंने एक एक बार बार फिर फिर हमें हमें दीन दीन की की बात बात कहने कहने और और दीन दीन की की बात बात सुनने सुनने के के लिए लिए यहाँ यहाँ जमा जमा होने होने की की तौफीक तौफीक अता अता फरमाई। फरमाई। अल्लाह अल्लाह ताला ताला की की बारगाह बारगाह में में दुआ दुआ है है कि कि हम हम सबका सबका यहाँ यहाँ जमा जमा होना होना इसे इसे अपनी अपनी बारगाह बारगाह में में कबूल कबूल फरमाए फरमाए। और और इस इस बात बात को को हम हम सबके सबके लिए लिए आखिरत आखिरत में में जरिया जरिया नजात नजात बना बना दे दे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आज आज के के इस इस महदूद और महदूद और मुख्तसर मुख्तसर से से वक्त वक्त में में आप आप भाइयों भाइयों के के सामने सामने एक एक इंतहाई इंतहाई अहम अहम और और एक एक इंतहाई इंतहाई जरूरी जरूरी मौजू मौजू के के मुतल्लिक मुतल्लिक कुछ कुछ गुफ्तगू गुफ्तगू करनी करनी है। है। और और ये ये मौजू मौजू वो वो है है कि कि जिसके जिसके बगैर बगैर ईमान ईमान नाकिस नाकिस है, है, जिसके जिसके बगैर बगैर ईमान ईमान अधूरा अधूरा है, है, जिसके जिसके बगैर बगैर ईमान ईमान नामुकम्मल नामुकम्मल है है ना ना तमाम तमाम है। है। और ये और ये मौजू मौजू है है हबीब हबीब रब्बुल रब्बुल आलमीन आलमीन अकरम अकरम अलवलीन व अलवलीन व आखरीन आखरीन इमाम इमाम अल्अंबिया अल्अंबिया सैयद सैयद अलमुरसलीन अलमुरसलीन रहमत रहमत दो दो आलम आलम ताजदार ताजदार मदीना मदीना अहमद अहमद मुस्तफा मुस्तफा मुहम्मद मुहम्मद मुस्तफा मुस्तफा सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम की की मोहब्बत मोहब्बत का। का। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस इस मौजू मौजू के के मुतल्लिक मुतल्लिक जो जो बात बात आप आप भाइयों भाइयों के के सामने सामने बयान बयान करनी करनी है है अल्लाह की अल्लाह की तौफीक तौफीक से से हमेशा की हमेशा की तरह तरह उसे उसे तीन तीन हिस्सों हिस्सों में में तकसीम तकसीम किया किया है। है। और बात को बात को तकसीम तकसीम करने करने का का मकसद मकसद बात बात के के कहने, कहने, सुनने सुनने और और समझने समझने में में आसानी आसानी के के लिए लिए है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बात बात का जो का जो पहला पहला हिस्सा हिस्सा बयान बयान किया किया जाएगा जाएगा वो वो ये ये है है कि कि ईमान ईमान में में नबी नबी अकरम अकरम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम की की जो जो मोहब्बत मोहब्बत है है उसकी उसकी क्या क्या हैसियत हैसियत है। है। और और इसी इसी तरह तरह बात बात का का दूसरा दूसरा हिस्सा, हिस्सा, उसमें उसमें इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस इस बात बात को को बयान बयान करने करने की की कोशिश कोशिश करनी करनी है है कि कि नबी नबी अकरम अकरम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम की की जो जो मोहब्बत मोहब्बत है है उसकी उसकी वजह वजह से से दुनिया दुनिया में में क्या क्या मिलता मिलता है है और और आखिरत आखिरत में में क्या क्या मिलेगा। मिलेगा। और और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बात बात का का तीसरा तीसरा हिस्सा, हिस्सा, उसमें इस उसमें इस बात बात को को बयान बयान किया किया जाएगा जाएगा कि कि आप आप सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम की की जो जो मोहब्बत मोहब्बत है है उसकी उसकी क्या 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 अलामात अलामात और और क्या 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 निशानियां निशानियां हैं। हैं। और और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बात बात के के तीसरे तीसरे हिस्से हिस्से में में ही ही इस इस बात बात को को भी भी देखेंगे देखेंगे कि कि नबी नबी अकरम अकरम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम के के जो जो साथी साथी थे थे हजरात हजरात सहाबा सहाबा इस इस बारे बारे में में वो वो कैसे कैसे थे, थे, वो वो किस किस अंदाज अंदाज से से आपसे आपसे मोहब्बत मोहब्बत करते करते थे थे और और हम हम जो जो अपनी अपनी निस्बत निस्बत उनसे उनसे करते करते हैं हैं इस इस बारे बारे में में हमारा हमारा तर्ज़ तर्ज़-ए-अमल अमल क्या क्या है। है। अल्लाह अल्लाह ताला ताला की की बारगाह बारगाह में में आजिज़ाना आजिज़ाना दुआ दुआ है है कि कि मुझे मुझे दीन दीन की की सही सही बात बात कहने कहने की की और और आप आप सब सब भाइयों भाइयों को को दीन दीन की की सही सही बात बात सुन सुन के के कहने कहने वाले वाले को को भी भी और और तमाम तमाम सुनने सुनने वालों वालों को को अमल अमल की की तौफीक तौफीक अता अता फरमाए। फरमाए। तो बात बात को को पहले पहले से से शुरू शुरू करते करते हैं हैं कि कि नबी नबी अकरम अकरम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम की की जो जो मोहब्बत मोहब्बत है है ईमान ईमान में में उसकी उसकी क्या क्या हैसियत हैसियत है। है। भाई भाई वो वो बात बात ये ये है है कि कि अगर अगर कोई कोई शख्स शख्स ये ये चाहता चाहता है है कि कि वो वो मोमिन मोमिन बन बन जाए, जाए, उसका उसका शुमार शुमार मोमिनों मोमिनों में में हो हो और और अल्लाह अल्लाह रब्बुल रब्बुल आलमीन आलमीन की की बारगाह बारगाह में में मोमिन मोमिन ठहराया ठहराया जाए जाए तो उसके लिए उसके लिए इंतहाई इंतहाई जरूरी जरूरी है है
کہ اس کے سینے میں اس کے دل میں مدینے والے کی جو محبت ہے دنیا کے تمام لوگوں کی محبت سے زیادہ ہو۔ کسی بھی انداز سے اگر کسی اور کی محبت، خواہ وہ اولاد ہو خواہ کوئی بھی ہو، کسی بھی انداز سے کسی اور کی محبت مدینے والے کی محبت پر اگر غالب آ جاتی ہے تو اس بات کو جان لے کہ اس کا ایمان ابھی ناقص ہے، اس کا ایمان ادھورا ہے، اس کا شمار ابھی مومنین میں نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایک بات کو بڑے پیارے انداز میں ایک سے زیادہ احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا، اور ان بہت سی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث مبارکہ وہ ہے جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح میں نقل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضا اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ اللہ اکبر، بھائی غور فرمائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات بیان کرنے سے پہلے قسم کھا رہے ہیں، اور آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ قسم نہ بھی کھائیں تو آپ کی بات میں کوئی شک و شبہ ہے؟ جی کوئی نہیں، آپ تو وہ ہیں کہ نبوت سے پہلے بھی مکہ والے آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے، تو پھر آپ قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ علماء امت پر اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کرنے سے پہلے قسم اس لیے کھائی کہ بات امت کے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے کہ بات معمولی نہیں، بڑی ضروری، بڑی اہم اور بڑی توجہ طلب ہے۔ فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، سنو، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، آقا کب تک، حتی اکون احب علی، یہاں تک کہ میں اسے پیارا نہ ہو جاؤں، کس سے، من والدی ہی و ولدی ہی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اپنے باپ سے اور اپنی اولاد سے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو مزید کھول کے بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ جب صحابہ کو بات سمجھانی ہوتی تو اس بات کو بار بار بیان فرماتے، یہاں تک کہ ان کے دل و دماغ میں بات راسخ ہو جاتی۔ ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، اور آپ کے اس ارشاد کو امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح میں نقل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی اور خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب علی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے پیارا نہ ہو جاؤں، کس سے، اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے، اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، مومن بننا چاہتے ہو تو اس کی شرط یہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں، تمہارے ماں باپ، تمہارے بیوی بچے، تمہارے بھائی بہن، تمہارے دوست و احباب، اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جب تک میں ان سب سے پیارا نہیں تمہیں ہو جاتا تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے۔ اور بھائیو، اسی بات کو ایک اور مقام پر بالکل کھول کے بیان فرما دیا تاکہ امت اندھیرے میں ٹامک ٹوہیاں نہ مارے، اور اس حدیث کو بھی مسلم شریف میں نقل کیا گیا ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، حتی اکون احب علی، جب تک کہ میں اسے پیارا نہ ہو جاؤں، کس سے، من مالہ، اس کی مال و دولت سے۔ اللہ اکبر، بھائیو،
कितने दीनदार लोग दीन की बात कहने वाले और दीन की बात सुनने वाले, दीन का नारा लगाने वाले। जब अल्लाह उसके रसूल की राह में जब पुकार आती है कि अपनी जेबों से कुछ निकालो, अब ये देखना है कि अल्लाह रसूल की मोहब्बत एक तरफ और माल की मोहब्बत दूसरी तरफ। बड़े बड़े दीनदारों को देखा गया इल्ला मन शा अल्लाह कि उनके कदम डगमगा जाते हैं, उनके कदम डगमगा जाते हैं। आका क्या फरमा रहे, मोमिन बनना चाहते हो तो फिर अपने माल को मुझसे कीमती ना जानो, मेरी मोहब्बत से ज्यादा ना जानो। अगर अपने माल को मेरी मोहब्बत पे कुर्बान कर सकते हो तब तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारा शुमार मोमिनों में नहीं हो सकता। और इसी पर बस नहीं, बल्कि एक मुसलमान की तो ये शान है कि आका के नाम पर, आका की इज्जत के नाम पर कोई आंच आ रही हो और वो जिंदा सलामत खड़ा रहे, ऐसा मुमकिन ही नहीं। अगर ऐसा हो गया तो फिर उसका ईमान खतरे में पड़ गया, वो मोमिन हो ही नहीं सकता। बुखारी शरीफ की हदीस है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो बयान करते हैं कि अमीर मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन एक मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में है, आपकी मुराफिकत में है, आपके साथ हैं, बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाह इन्नका लहुब्बु अलैया मिन कुल्ली शैइन इल्ला मिन नफ्सी। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उमर को उमर की हर चीज से ज्यादा प्यारे हैं, इल्ला मिन नफ्सी मां सिवाय उमर की जान के। अल्लाह अकबर। सहाबा जैसे बाहर से थे वैसे अंदर से थे, जो उनके दिल में होता था वो उनकी जबान पे होता था, दिल और दिमाग में और जबान में कोई फर्क नहीं होता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे साथी की बात को सुनते हैं और जवाब में इरशाद फरमाते हैं ला या उमर, ए उमर अभी बात अधूरी है, अभी तेरा ईमान नाकिस है, अभी तेरा शुमार मोमिनीन में नहीं है। वल्लज़ी नफ्सी बियदे, कसम है उस जात की जिसके कब्जा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। हत्ता अकूना अहब्बा अलैका मिन नफ्सिक, जब तक कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे तेरी जान से ज्यादा नहीं प्यारा हो जाता, उस वक्त तक तेरा शुमार मोमिनीन में हो ही नहीं सकता। रावी बयान करता है उमर फारूक रजी अल्लाह तआला आका की बात को सुनते हैं, चंद लम्हों का तौकफ करते हैं, दिल और दिमाग में जंग हो रही है। जब नतीजा निकल आता है तो बात जबान पे आ जाती है, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाह मिन अल आन इन्नक लहुब्बु अलैया हत्ता मिन नफ्सी, अर्ज करते हैं ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की कसम इस वक्त के बाद से आप मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे साथी की बात को सुनते हैं, बड़ा ही मुख्तसर और बड़ा ही प्यारा जवाब इरशाद फरमाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत की निशानियां थीं उनमें से एक निशानी ये थी कि आपको जामा कलमात के साथ मबूस किया गया। छोटी सी बात इरशाद फरमाते थे, बहुत बड़ी उसका जो मकसद होता था, उसकी जो तशरीह होती थी वो बहुत बड़ी होती थी। जवाब में इरशाद फरमाए अल आन या उमर, ए उमर अब बात मुकम्मल हो गई, अब तेरा ईमान कामिल हो गया, इस वक्त के बाद से तू मोमिनीन में शुमार। तो बात अर्ज कर रहा हूं, अगर कोई शख्स ये चाहता है कि वो मोमिन बन जाए, उसका शुमार मोमिनीन में हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में मोमिन ठहराया जाए, तो उसके लिए इंतहाई जरूरी है कि उसके सीने में उसके दिल में
यतीम मक्का की जो मोहब्बत है, मदीने वाले की जो मोहब्बत है, उसके माँ बाप, उसके बीवी बच्चे, उसके भाई बहन, उसके दोस्त अहबाब, और मैं तो कहूंगा उसके सियासी लीडर जिनके पीछे हम चलते हैं, उन तमाम की मोहब्बत से आप सलस मोहब्बत उसके सीने में ज्यादा हो, इसी पर बस नहीं बल्कि उसकी माल और दौलत, उसके खेत, उसकी फैक्ट्रियां, उसके खजाने, उसके बैंक बैलेंस, और इसी पर बस नहीं बल्कि उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी हो। बात का दूसरा हिस्सा यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है उसकी वजह से दुनिया में क्या मिलता है और आखिरत में क्या मिलेगा। भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है, बड़ी अजीम शान नेमत है वो, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि मदीने वाले की जो ज़ाते मुबारका है, नेमतों का मजमुआ है वो, और उसमें से एक नेमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। इतनी अजीम शान नेमत है कि उसकी वजह से अल्लाह ताला दुनिया में भी अता फरमाते हैं और आखिरत में भी अता फरमाने का वादा है। दुनिया में क्या मिलेगा? सुभान अल्लाह, ऐसा शख्स जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत का दावेदार है, उसके लिए बशारत है कि दुनिया में अल्लाह ताला उसे हलावतुल ईमान की नेमत अता फरमाते हैं। हलावतुल ईमान से क्या मुराद है? ईमान की लज्जत, ईमान की चाशनी, ईमान का मजा। कितने लोग हैं आज उन्हें इस दर्स में आने की दावत दी गई होगी लेकिन ऐसे कामों में मशगूल हैं कि जिनका करना अल्लाह को गजबनाक करता है। और कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इस मुबारक महफिल में मौजूद हैं। कितनी मुबारक है ये महफिल! आका ने इरशाद फरमाया कि फरिश्ते इस महफिल का अहाता कर लेते हैं और उस वक्त तक इस्तग़फार करते रहते हैं जब तक कि लोग इस महफिल में बैठे हैं। और किसके हुक्म से इस्तग़फार कर रहे हैं? अल्लाह के हुक्म से। जब अल्लाह ने खुद हुक्म दिया है तो फरिश्तों की इस्तग़फार को हमारे हक में अल्लाह कबूल करेगा कि नहीं? कबूल करेगा। कितनी खुशकिस्मती है, आए गाड़ियों पर हैं, पैदल चल के आए हैं, लेकिन मेरे आका ने इरशाद फरमाया जब कोई मुबारक महफिलों की तरफ चल के जाता है तो अल्लाह के फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं। कितनी खुशकिस्मती! गौर तो करें जरा, गौर करें जरा। हलावतुल ईमान, ईमान की चाशनी, ईमान की लज्जत। और कितने लोग ऐसे नहीं कि एक नेकी के बाद दूसरी नेकी करने को दिल कर रहा है, नमाज पढ़ ली मस्जिद में, अब ये चाह रहा है कि कुरान भी पढ़ लिया जाए। ये है ईमान की चाशनी, ईमान का मजा, ईमान की लज्जत। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। और इसकी दलील क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलासतुन मन कुन फीह वजद बिहिन हलावत ईमान। सुनो, जिस शख्स में तीन बातें पाई जाएंगी अल्लाह ताला उसे हलावत ईमान की नेमत से सरफराज फरमाते हैं। और वो तीन बातें क्या हैं? पहली बात, इरशाद फरमाया कि उसके सीने में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दुनिया के तमाम लोगों की मोहब्बत से ज्यादा होती है। वो हदीस हम पढ़ते हैं ना, मन अहब्बा लिल्लाह व अबगज़ लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह। जिसने अल्लाह के लिए दिया, अल्लाह के लिए मना किया, अल्लाह के लिए मोहब्बत रखी, अल्लाह के लिए बुगत रखा, उसने क्या किया? अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया उसने। और दूसरी बात क्या इरशाद फरमाई? दूसरी बात यह इरशाद फरमाई कि ईमान में आने के बाद जब उसको कुफर की तरफ बुलाया जाए तो उसे यूं महसूस होता है कि जैसे उसे जलती हुई आग में फेंक रहा है, जलती हुई आग में फेंका जा रहा है।
दूसरी बात ये तो दुनिया में मिल गया, आखिरत में क्या मिलेगा। अल्लाह जैसा कि पहले अर्ज किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बड़ी अजीम शान नेमत है। जिस किसी को ये नेमत नसीब हो जाए आखिरत में भी अता किए जाने का वादा है उससे, आखिरत में क्या मिलेगा। चलिए इस बात को एक हदीस मुबारक से देखते हैं। इमाम तिर्मिज़ी नकल करते हैं, हज़रत अनस बिन मालिक رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جرمٹ میں جلوہ افروز ہیں کہ ایک شخص حاضر خدمت ہوتا ہے اور آ کے بارگاہ رسالت میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مت اسع، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی کی طرف دیکھتے ہیں اور جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، ماذا اعددت لها، قیامت کا سوال کر رہے ہو، ذرا یہ تو بتلاؤ قیامت کے لیے کتنی تیاری کر رکھی ہے، کتنے اعمال جمع کر لیے ہیں، کیا کچھ ہے تیرے پاس؟ وہ شخص جواب میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما عندي كثير صلاة ولا صيام ولا صدقه، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا معاملہ تو یہ ہے کہ فرض نمازیں تھیں وہ میں نے ادا کی ہیں لیکن نوافل میں میرے پاس نہ ہونے کے برابر ہے، رمضان مبارک کے جو روزے تھے وہ تو میں رکھتا رہا ہوں لیکن نفل روزے میرے پاس بہت کم، زکات جو مجھ پہ فرض تھی وہ ادا کرتا ہوں لیکن صدقہ و خیرات نہ ہونے کے برابر، ولیکنی احب اللہ و رسولہ، لیکن میرے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بہت زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی کی بات کو سنتے ہیں اور بڑا ہی پیارا جواب ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا، انت مع من احبب، اے ساتھی کل تو انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اور یہاں ایک ضمنی بات کہنا چاہتا ہوں بھائیو، ہر شخص کہنے والا بھی اور تمام سننے والے اس بات کا جائزہ ضرور لے لیں کہ ہماری محبتیں، ہماری وفاداریاں، ہماری چاہتیں، ہماری سپورٹ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ اگر ان کے ساتھ ہے جو اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، اقامت دین کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ بشارت ہے اس کے لیے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہماری محبتیں، ہماری وفاداریاں، ہماری پسند ناپسند ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی راہ میں روڑے اٹکانے والے ہیں، تو پھر حدیث کے الفاظ واضح ہیں، انت مع من احبب، اے ساتھی کل تو انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اور یہاں ایک اور ضمنی بات بھی کہتا چلوں، اسلام کے تمام اعمال ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کہیں کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ صدقے یا رسول اللہ پورا دن بیٹھا درود شریف کی تسبیح گھماتا رہے، نماز فرض ادا کرنی پڑے گی، روزے فرض ہیں رکھنے پڑیں گے، زکات فرض ادا کرنی پڑے گی، دین کی اشاعت بھی فرض ہے اس کو بھی کرنا پڑے گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا پڑوس ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ اے اللہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب نہ ہو سکی، اے اللہ آخرت میں ہمیں اس نعمت سے محروم نہ رکھیو۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس کی وجہ سے دنیا میں کیا ملتا ہے اور آخرت میں کیا ملے گا۔ بات کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس کی کیا کیا علامات اور کیا کیا نشانیاں ہیں۔ ہر وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھا ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے،
आप उससे सवाल करके देखें कि नबी की मोहब्बत कितनी है तेरे सीने में, उसका जवाब क्या होगा कि मेरा सीना मामूर है नबी की मोहब्बत से, और होना भी चाहिए। उलमाए उम्मत पर अल्लाह की लाखों रहमतें हों, उन्होंने किताब सुन्नत से बड़ी मेहनत करके कुछ अलामात और कुछ निशानियां उम्मत के सामने रखी हैं, ताकि हर शख्स अपना अपना जायजा खुद ले ले कि मैं जो कह रहा हूं वो जबानी जमा खर्च है या उसमें कुछ हकीकत का रंग भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है उसकी बहुत सी अलामत और बहुत सी निशानियां हैं। वक्त मुख्तसर है, चंद एक पे इक्तफा करते हुए बात को समेटने की कोशिश करूंगा। उलमाए उम्मत फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत का दावेदार है, तो उसके सामने दुनिया की तमाम नेमतों को रखा जाए और ये कहा जाए भाई ये चाहिए कि मदीने वाले के चेहरे अनवर का दीदार करना चाहते हो। अगर वाकई वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्ची मोहब्बत का दावेदार है तो तमाम नेमतों को ठुकरा देगा और इस बात की ख्वाहिश करेगा, तमन्ना करेगा, रग़बत करेगा कि मुझे आका के चेहरे अनवर का दीदार नसीब हो जाए। हम में से कितने लोग हैं बकाले पे जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, बटुआ खोलते हैं पैसे निकालने के लिए, तो कुछ तस्वीरें नजर आती हैं, आती हैं कि नहीं जी? किनकी होती हैं? उनकी होती हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं, चाहते हैं कि दिन में चार पांच बार उनका दीदार हो जाए। कितने लोग ऐसे नहीं, अल्लाह ने उनको बड़े बड़े घर अता किए हैं, बड़े बड़े वसी ड्राइंग रूम बना रखे हैं और उनमें बड़ी बड़ी कदावर तस्वीर लगा रखी। किनकी? जिनसे वो मोहब्बत करते हैं। तो जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करने वाला है उसकी भी यही ख्वाहिश है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर का दीदार नसीब हो जाए। और इस बारे में कितने ही वाकयात हैं, उन बहुत से वाकयात में से एक वाकया वो है जिसे इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब सही मुस्लिम में नकल किया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे साथी हजरत रबिया इब्न काब अल असलमी रजी अल्लाह तआला अन्हु अर्दा इस वाकया मुबारक के रावी हैं। उनका अपना वाकया चलिए उन्हीं की ज़बान मुबारक से सुनते हैं। फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पर मामूर था, और गालिबन ये वाकया मदीने का है। मैं आपके हुजरे मुबारक के बाहर ही सोया करता था, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मुबारक था कि आप तहज्जुद के लिए जरूर उठते। जैसे ही मुझे आहट महसूस होती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए हैं, मैं फौरन उठता और जल्दी से नालायन मुबारक पेश करता, मिसवाक और वजू का पानी हाजिर करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इस खिदमत से बहुत खुश होते, और एक दिन इसी खुशी के आलम में मुझसे इरशाद फरमाया, रबिया मैं चाहता हूं तुझे कुछ अता करूं, कुछ मांग लो रबिया। सल या रबिया, रबिया कुछ सवाल कर, कुछ मांग। अल्लाह अकबर, हर साथी जरा सोचे तो सही, हज़रत रबिया ने क्या मांगा होगा? और आज हमसे अगर कोई साहब इक्तदार ये सवाल करे तो हम क्या मांगेंगे? आप ससम इरशाद फरमाते सल या रबिया, रबिया कुछ मांगो, कुछ अता करना चाहते हैं। जवाब में अर्ज करता, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
इन्नी अस्अलुका मुराफिका तकफिल जन्ना, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कुछ अता करना चाहते हैं, गुलाम की ख्वाहिश है कि जन्नत में अपनी मुराफिकत अता कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बात सुनते हैं तो इरशाद फरमाते अवा गैरा ज़ालिका रबिया, ए रबिया हमारा मकसद ये तो नहीं था, कुछ और मांग लो। क्या मकसद? कोई खजूरों का बाग, कोई बकरियों का रेवड़, कोई दिरहम दिनार, कोई माल दौलत, मकसद तो ये था। अर्थ करता हुआ जा का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु, ए अल्लाह के रसूल, अगर अता करना चाहते हैं तो गुलाम की यही ख्वाहिश है कि जन्नत में अपनी मुराफिकत अता कर दीजिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में क्या इरशाद फरमाते हैं? जानते हैं कि जन्नत अता करना ना करना अल्लाह के इख्तियार में, लेकिन हमारा ईमान है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़माने मुबारक से जन्नत की बशारत दे देते तो जन्नत उस पर वाजिब हो जाती है। लेकिन आप बड़े मोहतात थे, इस मामले में बड़े मोहतात थे। देखा साथी नहीं मान रहा तो इरशाद फरमाया या रबिया आइन्नी आला नफसिक बिकसरत सजूद, ए रबिया अगर चाहते हो अल्लाह के दरबार में तुम्हारी सिफारिश की जाए तो फिर हमारी मदद कर। किस चीज से? सजदों की कसरत से। अल्लाह अकबर। भाई अगर पेपर में 30 मार्क्स हैं तो 3 के लिए बात हो सकती है, लेकिन पेपर दिया ही नहीं, कुछ लिखा ही नहीं उस पर, तो 33 नंबर लेना बहुत मुश्किल है। ये सिफारिश नहीं, ये सिफारिश नहीं। मेरे आका अपनी फुप्पी से, अपनी बेटी से, सब रिश्तेदारों से क्या फरमाते थे? या फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकदी नफसिक मिनन नार, ए फातिमा मोहम्मद की बेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेटी अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लेना। इन्नी ला अमलिकु लकुम मिनल्लाहि शैया, ये तुम्हारा बाप कल क़यामत के दिन तुम्हारे काम ना आ सकेगा, अगर कोई चीज काम आएगी वो तेरे अमाल होंगे। या सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब, ए सफिया फुप्पी इनकदी नफसिक मिनन नार, ए फुप्पी अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले। ऐसा ना होकर अल्लाह के दरबार में तू कहे कि मेरा भतीजा नबी था, मुझे अमाल करने की क्या जरूरत है? नहीं, आका हमें बतला के गए हैं अल्लाह के हजूर में जाना तो आमाल का तोहफा लेके जाना, उसके बगैर काम नहीं चलने वाला। हाँ सिफारिश वो तो अल्लाह ताला सुनेंगे, लेकिन कैसे सुनेंगे? वो इस तरह होगी जैसे बाप अपने बेटे को मारना चाहता है ना, तो चाहता है बस मैं डांट दूं इसको, लेकिन डराने के लिए छड़ी उठाता है और बीवी को कहा होता है कि तू बीच में आ जा, मैं धमकाऊंगा, तू कहना अब नहीं करेगा, बात खत्म हो गई और मैं छोड़ दूंगा, बस ये मामला है। नहीं तो अल्लाह के ऊपर किसका हुक्म चलता है? अल्लाह अपनी जात में आप महमूद हैं, वो जिसकी चाहेंगे बात को सुनेंगे, जिसकी चाहेंगे नहीं सुनेंगे। तो बात यह कर रहा हूं कि सहाबा उनकी ख्वाहिश थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इस दुनिया में ही मिल रही है और आखिरत में भी मिले, और इस बारे में कितने ही वाकियात हैं। इसी तरह एक और वाकया हमारे सामने आता है, इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल तफसीर में से नकल किया है, और हमारी अम्मा जान आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा, जो कि सच्चे बाप की सच्ची बेटी हैं और सच्चे नबी की सच्ची बीवी हैं, वो इस वाक्य को बयान करती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे और साथी भी आपसे टूट के मोहब्बत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर फरमाते हैं कि उनका एक साथी कुछ दिनों से परेशान परेशान है, गमगीन है, उदास है, आपसे नहीं रहा जाता। आखिर एक दिन उसको बुला लेते हैं। हदीस के अल्फाज हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नी अराका महजूना, साथी क्या बात है, मैं तुझे हुज्न व मलाल की तस्वीर बना हुआ देखता हूं, क्या परेशानी है तुझे? अर्ज करता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शय उन फक्कर तुफी, ए अल्लाह के रसूल बस एक बात है, जब से उसके मुतल्लिक मैंने सोचा है
मैं परेशान हो गया, किसी कल चैन नहीं आ रहा। फरमाया माहू क्या बात है, हमें बतलाओ। अर्ज करता है, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम दिन रात आपकी सोहबत में होते हैं, आपके चेहरे अनवर का दीदार करते हैं, आपकी सोहबत से फैजयाब होते हैं। और एक और रवायत में आता है, अर्ज करता है, हम अपने घरों में होते हैं, आपकी याद सताती है, दौड़े चले आते हैं, आपके चेहरे अनवर का दीदार करते हैं, आंखें ठंडी हो जाती, दिल को करार आ जाता है। और वो बात जिसने मुझे परेशान कर रखा है वो ये है कि ये दुनिया फानी है, जो यहां आया है उसे जाना है, जो यहां आया है उसे जाना है। आप हबीब रब्बुल आलमीन हैं, इमामुल अंबिया हैं, सैयदुल मुरसलीन हैं, आपका मुकाम मुकाम महमूद है, और मुझ जैसा आपका अदना गुलाम, अल्लाह अगर अपने फजल करम से मुझे जन्नत अता भी फरमा देंगे, न जाने जन्नत के किस दर्जे में जाऊंगा। यहां तो एक पल आपके बगैर नहीं गुजरता, और ये दुनिया फानी है, खत्म हो जाने वाली है, और आखिरत अबदी है, दायमी है, सरमदी है, हमेशगी की है, ना खत्म होने वाली है। जो दुनिया खत्म होने वाली है वहां तो आपके बगैर गुजारा नहीं, और जो हमेशा हमेशा की दुनिया है वहां आपके बगैर कैसे गुजारा होगा। बस ये गम है जो खाया जा रहा है, ये गम है जो खाया जा रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मुबारक था कि जिस बारे में आपको इल्म ना होता आप खामोशी इख्तियार फरमाते और अल्लाह की तरफ से जवाब का इंतजार फरमाते। कुछ ही देर गुजरती है कि जिब्रील अमी सूरत निसा के आयत करीमा लेके नाजुल होते हैं, वमन युति अल्लाह और रसूल फाउलाइका मा अल्लजीना अनअम अल्लाह अलैहिम मिनन नबियीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन वहसुना उलाइका रफीका ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا। اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو خوشخبری سنا دیجئے، اے ساتھی دل چھوٹا نہ کر، غمگین نہ ہو، اللہ کی طرف سے بشارت آ گئی۔ کیا بشارت ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہوگا، دوسرے الفاظ میں جو ان سے محبت کرنے والا ہوگا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، कल वो उनके साथ होगा जिन पर अल्लाह ने इनाम नाजिल फरमाया, जिन पर अल्लाह ने इनाम नाजिल फरमाया। रुक जाइए, कुरान के शुरू में आ जाइए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम, ए अल्लाह उनके रास्ते पे चला जिन पर तूने इनाम नाजिल फरमाया। यहां उनका जिक्र है लेकिन वो कौन लोग हैं हमें नहीं पता। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला इस सवाल का जवाब अता फरमा रहे हैं कि वो हैं मिनन नबीयीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, चार अफराद हैं, चार लोग हैं, अंबिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शोहदा हैं और सालिहीन हैं। उस सवाल का जवाब हमें सूरत निसा की आयत करीमा मिल रहा है। अल कुरान युफस्सिरु बादहु बादा, कुरान की एक आयत दूसरी आयत की तफसीर बयान करती है, दूसरी आयत की तफसीर बयान करती है। अब क्या होता है, साथी खुश हो जाता है। तो बात अर्ज कर रहा हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मोहब्बत करने वाले थे, दुनिया की तमाम नेमतें अता की जाएं, लेकिन उनकी ख्वाहिश, उनकी तमन्ना, उनकी रगबत इस बात में थी कि उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर का दीदार नसीब हो जाए। बात हो रही अलामत और निशानियों की। आपकी जो मोहब्बत है उसके एक और बड़ी अहम और जरूरी निशानी और अलामत यह है कि जो वाकई आपसे मोहब्बत का दावेदार है वो आपकी सुन्नत से भी प्यार करेगा। अगर आपकी सुन्नत से उसको प्यार नहीं, आपकी तबा पे चलने वाला नहीं, आपकी पैरवी इख्तियार करने वाला नहीं, आपके अताअत करने वाला नहीं, तो कैसा इश्क रसूल है? ये तो खाली जमा खर्च है जबानी। अबू लहब कौन था जी? चचा, सगा चचा, सगा चचा, और इतनी मोहब्बत करता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जब आप इस दुनिया में तशरीफ लाए तो उसने उस लौंडी को, इसका नाम किताबों में सो भी आया है, उसकी कीमती तरीन लौंडी थी, उसने जब भी खुशखबरी दी काबा के साथ टेक लगा के बैठा हुआ था,
वहीं पर उसको आजाद कर दिया कि तूने इतनी बड़ी खुशखबरी मुझे दी, मेरे उस भाई के घर जो इस दुनिया में नहीं, अल्लाह ने चांद सा बेटा दिया, जा तू आजाद। और सीरत की किताबों में आता है बेशुमार जानवर काट के गरीबों को खिलाए गए और गरीबों को कपड़े भी दिए उसने। और यही नहीं बल्कि जिद करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों को अपनी बहू भी बनाया। लेकिन जब अताअत का मामला आया, पैरवी का मामला आया, इत्तबा का मामला आया, तो मुनकर हक हो गया और कुरान में फैसला सादिर कर दिया कि अबू लहब जहन्नमी है। तो भाइयों, इतनी बड़ी दलील हमारे सामने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की अमली निशानी जो है वो ये है कि आपकी इत्तबा की जाए, आपकी पैरवी की जाए, आपकी सुन्नत को थामा जाए, आपके अताअत को सीने से लगाया जाए, जब तो मोहब्बत का हक अदा हो। और एक हदीस इस बात पर मुकम्मल दलालत करती है, बुखारी शरीफ की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, मशहूर हदीस है, कई बार सुन चुके होंगे, तस्कीर के लिए सुन लीजिए, फरमाया कुल उम्मती यदखुलून अलजन्ना, मेरी उम्मत का हर फर्द जन्नत में जाएगा, दिल झूम जाता है जब इसको सुनते हैं। लेकिन आगे भी सुने क्या इरशाद फरमाया, इल्ला मन अबा, सुन लो, जान लो, नोट कर लो इस बात को, वो जन्नत में न जाएगा जिसने जन्नत में जाने से खुद इनकार कर दिया। कीला फमैया या रसूल अल्लाह, अर्ज किया गया, ए अल्लाह के रसूल, क्या कोई ऐसा भी है जो जन्नत में जाने से खुद इनकार कर दे, जन्नत किसे नहीं चाहिए? फरमाया हाँ, ऐसे लोग भी हैं। मन आता नहीं वदा खलल जन्ना, जिसने मेरी अताअत की, मेरी पैरवी की, मेरी तबा की, मेरी सुन्नत को सीने से लगाया, वो तो जन्नत में दाखिल हो गया। वमन आसानी फकत अबा, और इस बात को जान लो, जिसने मेरी तबा की कोई परवाह न की, मेरी सुन्नत की कोई परवाह न की, उसने किब्र किया, जन्नत में जाने से खुद इनकार कर दिया। तो बात हो रही अलामात और निशानियों की। अलामात और निशानी में से एक और अहम अलामात और निशानियों में से एक और अहम अलामत और निशानी यह है, अगर किसी को वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो फिर आपसे मिशन के, आपके मिशन से भी मोहब्बत होनी चाहिए। अगर आपके मिशन से मोहब्बत नहीं तो फिर आपसे भी मोहब्बत नहीं। और आपका मिशन क्या है जी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन है अल्लाह की तरफ बुलाना, अल्लाह की तरफ दावत देना, अल्लाह की पहचान कराना। और कुरान करीम में बड़े वाज़ह अल्फाज में आपके मिशन को हाईलाइट किया गया है, कुल हाज़िही सबीली, ऐ नबी फरमा दीजिए कि मेरा रास्ता तो ये है। क्या है रास्ता? अदउ इलल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाता हूं मैं, यह है मेरा मिशन, यह है मेरा रास्ता। अला बसीरतिन, बसीरत के साथ। क्या यह सिर्फ मेरा काम है? नहीं, अना व मन इत्तबअनी, मैं और मेरे जो उम्मती हैं, मेरा और उनका सबका यही काम है, सबका यही काम है। क्या काम है? अल्लाह की तरफ बुलाना। और भाइयों, क्या ये काम मुश्किल है? जी, मुश्किल काम है। आज यहां दर्स था, आपको इत्तला थी, आपके दाएं बाएं कुछ लोग थे, अगर आप ये पैगाम उन तक पहुंचा देते तो आपने दावत का काम कर लिया। आप देखते हैं कि आपका एक जानने वाला, आपका रूममेट या आपके साथ कोई काम करने वाला फजूल किस्म के रिसाले पढ़ता है, आप उसे कोई किताबचा दे दें, दीनी किताबचा को दे दें, आपने दावत का काम कर लिया। आप गौर फरमा रहे, कोई शख्स बहुत ज्यादा गाने सुनता है, फजूलियात में गिरफ्तार है, कोई अच्छी सी कैसेट उसको दे दें, अल्लाह ताला उसको हिदायत फरमाए, आपने दावत का काम कर लिया। हर शख्स को मुनव्वर अली सिद्दीकी बन के यहां बैठने की जरूरत नहीं, दीन का काम बड़ा आसान है। जिस शख्स को अल्लाह ने जो सलाहियत दी है वो उसको इस्तेमाल करे। टेलीफोन पे घर वालों से बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, दीन की दावत दे दे, दीन का काम कोई मुश्किल काम नहीं है। और याद रखिए, आपके कहने की वजह से अगर कोई रस्ते पे आ जाता है, अल्लाह के फजल व करम से जितना अमल वो करेगा आपको भी उतना अजर मिलेगा। और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो कभी इस मौजू के ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू होगी। तो बात अर्ज कर रहा हूँ अलामत और निशानियाँ। एक और अलामत और निशानी ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों की खुशखबरियां उम्मत को दी हैं उन पर सदक दिल से यकीन हो, शक शुबा ना करे, आप सादिकुल मस्तूक हैं।
और इसी तरह आपने जो वईदें सुनाई हैं, क्योंकि आप बशीर और नजीर बना के भेजे गए, बशारत देने वाले और डराने वाले। आप अगर कोई वईद सुनाते हैं उस पर भी यकीन करें। क्यों? इसलिए कि आपकी जबान मुबारक से जो बात अदा होती है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा, ये हमारा नबी, हमारा रसूल या हमारा पैगंबर खुद कोई बात नहीं करता, ये जो बात भी करता है ये तो हमारी तरफ से इसको वही होती है, तब तुम्हें कोई बात बतलाता है। ये आपकी तरफ से बशारत और आपकी तरफ से वईद, इस पे मुकम्मल यकीन होना चाहिए, शक और शुबे से बालातर होकर। और इसमें कितनी ही मिसालें और कितनी हदीसें हमारे सामने आती हैं, जिसमें से एक वाकया वो है जिसे अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु वो इसको रवायत करते हैं। उमामा बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में, बैहक़ी ने अपनी किताब में इसको नकल किया है। वो बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है, एक शख्स हाजिर खिदमत होता है, आके अर्ज करता है कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लम, मैं मदीने का रहने वाला हूँ, अंसारी मुसलमान हूँ और आप पर ईमान लाया हूँ, फला फला जगह मेरा खजूरों का बाग है, उसी में मेरे बीवी बच्चे भी रहते हैं, मैं एक मुश्किल में गिरफ्तार हूँ और आपकी मदद दरकार है। फरमाया बतलाओ क्या बात है। अर्ज करता है उसी बाग में मेरे एक और अंसारी मुसलमान भाई का एक खजूर का दरख्त है, मैंने कई बार कोशिश की कि वो एक खजूर का दरख्त मुझे फरोख्त कर दे, लेकिन वो बात नहीं आता, वो नहीं करता। उसका जब दिल करता है वो मेरे बाग में दाखिल होता है, अपने उस खजूर के दरख्त की देखभाल करता है, उसे पानी देता है और उसका यह अमल मुझ पर बहुत शाक गुजरता है। जाहिर है पूरा बाग उनका है, एक खजूर का दरख्त किसी और का, मुश्किल में तो आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात को समझ जाते हैं, उस दूसरे मुसलमान अंसारी को बुलाते हैं और उससे सवाल करते हैं, ये शख्स जो कह रहा है कि ये बात दुरुस्त है, अर्ज करता है ऐ अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शख्स सही कह रहा है, इसके बाग में मेरा एक खजूर का दरख्त है जिसका मालिक मैं हूँ। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे सौदा कर लो, तुम मुझसे सौदा कर लो, वो खजूर का दरख्त तुम मुझे दे दो, मैं उसके बदले में तुम्हें एक खजूर के दरख्त की जन्नत में बशारत दे दूँ। वो शख्स थोड़ी देर सोचता है, दर हकीकत में उसका ताल्लुक ग्रोह मुनाफिकीन से था जिन्होंने मुसलमान होने का इबादा ओढ़ रखा था, लेकिन अंदर से मुनाफिकीन थे। कुछ देर सोचता है, फिर कहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सौदा मंजूर नहीं, मुझे सौदा कबूल नहीं। आप सल्लम खामोशी इख्तियार फरमाते हैं और सहाबा परेशान हो जाते हैं और ये बात पूरे मदीने में जंगल में आग की तरह फैल जाती है और उनके कानों तक भी जाती है जिनका नाम सीरत की किताबों में अबू दहदा रजी अल्लाह तआला अन्हु आया है। जब उनके कानों तक ये बात जाती है, फौरन उस शख्स से राब्ता करते हैं, कहते हैं सुनो, मेरा फला फला खजूरों का बाग है जिसमें इतने सौ खजूर के दरख्त हैं, मैं चाहता हूं वो पूरा बाग तुम ले लो, अपनी खजूर मुझे दे दो। कहता है ये सौदा बड़ा शानदार है, सौदा तय पा जाता है, वो खजूर का दरख्त इनकी मलकियत बन जाता है। अब दौड़े हुए सरकार के पास पहुंचते हैं और अर्ज करते हैं ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर मिल चुकी इस सौदे की, अर्ज करते हैं ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो खजूर का दरख्त अब मेरी मिल्कियत है और मैं चाहता हूं कि आप मुझसे अब सौदा कर लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई खुशी का इजहार फरमाते हैं और फरमाते हैं अबू दादा, तेरे लिए एक नहीं जन्नत में कितनी मोटी मोटी खजूर के दरख्त है। तीन बार हजरत अबू दादा रजी अल्लाह तआला अन्हु को जन्नत में खजूरों की बशारत देते हैं। तो बात अर्ज कर रहा हूं कि अगर वाकई हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करने वाले हैं तो फिर आपने जो वईदें दी, जो बशारतें दी, उन पर भी यकीन होना चाहिए। भाइयों, हम यहूदियों को कहते हैं कि यहूदी अल्लाह के बड़े नाशुक्रे हैं, अल्लाह के बड़े नाशुक्रे हैं। अल्लाह ने कितनी नियमतें उन पर नाजिल की, अंबिया की पूरी एक लड़ी उनमें आई, मन व सलवा उतारा गया, बादशाहत उन्हें अता की गई, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नाफरमान, अल्लाह के बागी, अल्लाह के सरकश हम मुसलमान, आज हमारा अपने बारे में क्या ख्याल है? हम अल्लाह के बड़े फरमाबरदार हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर यहूदियों के बहुत सी नेमतें अता की थी, क्या हमें कम नेमतें अता की हैं? अल्लाह ने पूरे कुरान करीम के अंदर जो सबसे अजीम नेमत का ईमान के बाद जो जिक्र किया है, आपको पता है वो क्या है नेमत?
फरमाया लकद मन अल्लाह अलल मोमिनीन, अल्लाह ने मोमिनीन पर यह एहसान किया। क्या एहसान किया? बासफीहिम रसूल, उनमें एक रसूल मबूस किया, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मबूस फरमा के पूरी इंसानियत बिल अमूम और उम्मत मुस्लिम बिल खुसूस उन पर अल्लाह ने एहसान जितलाया, हाईलाइट किया गया इस बात को। क्या हमने इस नेमत कदर की? कितनी कदर की हमने इस नेमत की? आपकी पैरवी कितनी इख्तियार की है हमने? अगर वाकई हम आपसे मोहब्बत करते हैं, इस नेमत की कदर करते हैं, तो आपका चेहरा हमें प्यारा होना चाहिए, हम अपने चेहरे को वैसा बनाएं। अल्लाह ने क्या हुक्म दिया हमें? चेहरा कैसा बनाओ? मेरे हबीब जैसा बनाओ। लेकिन हम कैसा बना रहे हैं? लिबास कैसा? हैयत कैसी? मामलात कैसे? मैं आज दोपहर को इस दर्स की तैयारी में बैठा था तो एक किताब मेरे सामने आई, हमारे नबी, उसमें इतनी चीजें लिखी थी, इतनी चीजें लिखी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने महफूज फरमा के इस दुनिया पे कितने एहसानात किए, कितने एहसानात किए। एक एहसान जितलाया कि तौहीद का मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके बतलाया। दुनिया इससे गाफिल हो चुकी थी और बगैर तौहीद के जन्नत के दरवाजे नहीं खुलते। इंसानियत को बतलाया गया, उसकी तकरीम की गई। लोग पहले जात पात में चलते थे, फरमाया गया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, मुत्तकी अल्लाह के नजदीक। एक दूसरे की इज्जत बतलाई गई, औरतों को मुकाम दिया गया, बेटियों को मुकाम दिया गया, लेन देन के मामला बताए। कितनी चीजें लिखी थी कि अल्लाह ताला ने दुनिया का निजाम किस तरह तब्दील किया। इतने एहसानात पूरी दुनिया के इंसानों पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। और हम जितने भी दुरूद पढ़ें, जितनी भी दुआएं करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना कुछ इस दुनिया के लिए किया है, इंसानों के लिए किया है, हम सारे इंसान मिलकर भी उसकी जजा नहीं दे सकते। उसका बदला सिर्फ अल्लाह की जात ही अता कर सकती है। इसीलिए हम हर नमाज के बाद दुआ करते हैं कि अल्लाह अपने इस नबी को मकाम महमूद अता फरमाना, क्योंकि वही इसका बदल है। भाइयों, हम अपने नबी से मोहब्बत करें ना करें, लेकिन खुदा की कसम हमारा नबी अपनी उम्मत से बड़ी मोहब्बत करता है। एक आखिरी हदीस बयान करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। और इस बारे में कितनी हदीसें मुबारक हमें मिलती हैं जिसमें अपनी मोहब्बत, अपनी उम्मत के साथ मोहब्बत का इजहार है, मोहब्बत का इजहार है। और उन बहुत सी हदीसें मुबारक में से एक हदीस वो है जिसे शेखैन ने नकल किया है, इमाम बुखारी ने भी और इमाम मुस्लिम ने भी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे साथी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला वो इस हदीस के रावी हैं। वो रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लिकुल नबी दावतुन मुस्तजाब। ऐ मेरे उम्मतियों सुनो, अल्लाह ने हर नबी और हर रसूल को एक ऐसी दुआ अता फरमाई है कि वो जब भी अल्लाह से मांगेगा अल्लाह उसे कबूल फरमाएंगे। क्या मकसद? हर नबी और हर रसूल की हर दुआ कबूल नहीं होती, इल्ला मन शा अल्लाह, जिसे अल्लाह चाहे और जब चाहे। लेकिन एक दुआ हर नबी और हर रसूल को अल्लाह ने अता फरमाई कि जब भी वो मांगेंगे अल्लाह अता करेंगे। और हम कुरान को जब खोल के देखते हैं तो हमें नूह अलैहि सलाम की वो दुआ भी सामने हमारे आती है कि जब कौम से मायूस हो गए अपनी उस दुआ को इस्तेमाल में ले आए और कौम तबाह हो गई। मूसा अलैहि सलाम ने वो दुआ मांगी, फिरौन को तबाह कर दिया गया। हर नबी और हर रसूल ने फरमाया वलिकुल नबी दावतुन फतअज्जल बिह। और मेरे उम्मतियों सुनो, हर नबी और हर रसूल ने अपनी अपनी जिंदगी में इस कीमती दुआ को अल्लाह से मांग लिया। वअनख्तबा तो दावती, और सुन लो, मैंने इस कीमती और नादिर दुआ को छुपा के रख लिया, मैंने नहीं मांगा। किसके लिए? खतीजा के लिए, आयशा के लिए, उम्मे कुलसूम के लिए, रुकैया के लिए, अब्दुल्ला के लिए, कासिम के लिए, इब्राहिम के लिए। घर वाले तो यही हैं ना? नहीं। फरमाया वह इन्नी इख्तबा तो दावती, मैंने इस कीमती दुआ को छुपा के रख लिया, कब निकालूंगा? शफाअत लि उम्मती इला यौमिल कियामा, कयामत के दिन निकालूंगा जिस दिन मेरी उम्मत को मेरी शफात की जरूरत होगी। ये वो नबी है मेरे भाई, ये वो रसूल है। तो बात कर रहा हूं, अगर कोई शख्स चाहता है कि मोमिन बन जाए, उसका शुमार मोमिनों में हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में उम्मीद ठहराया जाए, तो उसके लिए इंतहाई जरूरी है कि उसके सीने में मदीने वाले की मोहब्बत दुनिया के तमाम लोगों की मोहब्बत से ज्यादा हो। वह आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।